कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा है और ये कहा है कि कोरोना वायरस की इस महामारी के समय कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ पूरी तरह से हैं और सरकार ने जो 21 दिनों के लॉकडाउन का आदेश दिया है उसको पालन करवाने में और उसको आगे बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगी। और साथ ही सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस शासित राज्य जो हैं वो इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो कांग्रेस पार्टी की जो शासित राज्य हैं वो उसे उठाएंगे। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ सुझाव दिए हैं और ये कहा है कि इन सुझावों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए, खासतौर से ऐसे वक्त में जो मेडिकल स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनके सुरक्षा के लिए सबसे पहले कदम उठाए जाए, उनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं और जो मास्क हैं उनको तुरंत सरकार जो है उनको मुहैया करवाया। साथ ही ये भी कहा है कि इस दौर में काम करने वाले जो मेडिकल के स्टाफ्स हैं उनको रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए। साथ ही सोनिया गांधी ने कई और सुझाव दिए हैं और जिनको कहा है कि ऐसे वक्त में सरकार को तुरंत लागू करना चाहिए। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में कहा है कि खासतौर से जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा राहत देने की ज़रूरत है और उनको राहत न्याय योजना जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था लोकसभा चुनाव के दौरान उस न्याय योजना को लागू करने का वक्त आ गया है। और ये भी कहा सोनिया गांधी ने अपने पत्र में कि 7,500 रुपया न्याय योजना के तहत जिनमें मिनिमम इनकम गारंटी की बात कही गई थी वो जनधन योजना के तहत या प्रधानमंत्री मनरेगा स्कीम के तहत या और जो सरकारी स्कीम्स है जिसमें डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र होता है उसके तहत अनऑर्गेनाइज सेक्टर को रिलीफ देने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही मिडिल क्लास और सर्विस क्लास के लिए सोनिया गांधी ने ये सुझाव दिया है कि उनके जो EMI हैं, जो लोन हैं, उनको 6 महीने तक के लिए टाल दिया जाना चाहिए। किसानों के लिए सोनिया गांधी ने ये सुझाव दिया है कि चूंकि हार्वेस्टिंग सीजन है इसलिए सरकार को प्रोक्योरमेंट के लिए खास ध्यान देना चाहिए और किसानों के जो कर्जे हैं वो उनसे वसूली अगले 6 महीने तक नहीं किया जाना चाहिए। बिजनेस क्लास के लिए भी सोनिया गांधी ने सुझाव दिया है कि उनके टैक्स में किस तरह से सहूलियत सरकार दे सकती है वो देखना चाहिए। खासतौर से सोनिया गांधी का तवज्जो इस बात को लेकर था कि सोशल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इन सब को लेकर सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।